क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, देखो अब। हाँ 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 देखो अब। अच्छा यहाँ पे अगर आप मेरे वीडियोस देखते रहते हो तो आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी होगी जहाँ पे मैंने अनबॉक्सिंग करी थी एप्पल के एयरपॉड्स की, और मैंने आपको बताया था कि आपके पास अगर 12-13 हज़ार रुपये हैं जो जेब में आपके रखने में मतलब एक्चुअली भारी पड़ रहे हैं तो आप कैसे फिर जाके आग लगा सकते हो कुछ सेकंड्स में। अच्छा यहाँ पे दो बार ना मैं बहुत बड़ी दुर्घटना से वापस आया हूँ। हुआ क्या एक्चुअली, एक बार तो मैं कार में था, एक बार आई थिंक आई वॉज इन मेट्रो, तो मैंने जैसे एयरपॉड बाहर निकाला और पता ही आपको दिल्ली में इतनी भीड़ भाड़ होती है, मतलब हाथ से छूट गया यार और बस टिक 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 धड़कन ऐसी तेज हो गई। लेकिन उसके बाद ना मेरे को एक चीज रियलाइज हुई कि यार इसको ना ऐसे नहीं रख सकते, क्योंकि देखो एक तो क्या है, दिक्कत क्या है इसमें, एक तो ये इतना स्मूथ है और इतना प्यारा सा है कि यार इसको गिराना ना अफोर्ड नहीं कर सकते, गिर गया, डेंट वेंट लग गया तो फिर मन करेगा कि यार दोबारा से 12 हज़ार रुपये में आग लगाओ। फाइंड आउट किया कि कौन सा बेटर केस है जो इसको प्रोटेक्ट कर सकता है, और फिर मेरे को मिला ये ब्रेन फ्रीजर का केस, तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया ऑर्डर और ये मेरे पास आ गया यहाँ पे ब्रेन फ्रीजर का छोटा सा केस। अब यार यहाँ पे डब्बा देख के ना आपको लग रहा होगा कितनी बड़ी चीज है, कितना बड़ा सा केस आया, क्योंकि देखो चीज कितनी सी है, छोटी सी, डब्बा कितना बड़ा दिया है, इतना बड़ा। तो चलिए देखते हैं कि इसका जो केस है वो किस तरीके से फिट होता है और कैसे कैसे काम करता है। अच्छा यहाँ पे डब्बा जो सामने है ये यार काफी बड़ा है, तो एक काम करते हैं पहले ना हम एक जादू कर लेते हैं। तो शकलक बूम बूम, शकलक बूम बूम, शकलक बूम बूम, शकलक बूम 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 बूम। अगर आपके पास ऐसी कोई चीज है ना आप घर पे ट्राई करना, ऐसे शकलक बूम 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 करके ना ऐसे उंगलियां हिलाना आप जोर जोर से, देखना आप चीज छोटी हो जाएगी। थोड़ी बहुत चीजें लिखी है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे लिखा लाइट वेट, शॉक प्रूफ, 360 प्रोटेक्शन। चलो भाई फिर इसको फर्दर अनबॉक्सिंग करते हैं। अब एयरपोर्ट केस वे सब लिखा हुआ है, चलो इतना पढ़ने का टाइम नहीं अपने पास। तो भाई ये खुल गया। एयरपोर्ट बिल्ड क्वालिटी की बात करना तो यार चीज काफी मस्त है, मतलब ऐसे देखो क्या स्पंजेस आए, मस्त सा है। अच्छा बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, बना हुआ है सिलिकॉन का, सिलिकॉन के आपके जो फोन के केसेस वगैरह आते हैं बिल्कुल वही मटेरियल यूज हुआ है। बाकी यहाँ पे देखो ऊपर इसका टोपा है यहाँ पे, और नीचे भाई ढक्कन सा है, गैप सा है, वो देख लेंगे क्या है। यहाँ पे एक हुक दिया हुआ है। अच्छा हुक की कहानी क्या है, हुक के ऊपर ना मतलब ये इसलिए दिया गया है बेसिकली कि यार आप कभी बाहर ट्रैवल वगैरह कर रहे हो या आपको ना दिखाना हो लोगों को कि वो मेरे पास तो एयरपॉड है, तो इसको ना पॉकेट वगैरह में हुक कर लो या फिर अपने बैग में हुक कर लो। तो भाई ये खुल गया आपका एयरपॉड, यहाँ पे ये गया अंदर, और ये टोपा, अच्छा टोपा यहाँ पे इस काम का था, और ये वाला जो था नीचे का, ओके ये इसके चार्जिंग पॉइंट में जाके इसको लॉक कर देता है। सही चीज है यार, मस्त लग रहा है। अब वो लुक नहीं लग रही डेफिनेटली, क्योंकि कवर लगाने के बाद ना किसी चीज की लुक थोड़ी सी कम हो ही जाती है, लेकिन भाई प्रोटेक्शन पहले आता है, तो अभी लुक फिर भी अच्छी लग रही है। और ब्लू लिया मैंने क्योंकि मेरे पास आईपैड का कवर भी ब्लू है, मैक का कवर भी ब्लू है, आईफोन का कवर भी ब्लू ही रखा हुआ है, तो मतलब ऐसा नहीं मेरे को ब्लू बहुत प्यारा है, लेकिन ठीक है। तो ये थी यहाँ पे सारी चीजें। अगर इसको अपन ओपन करते हैं तो देखो ये केस के साथ ओपन होता है, तो ये बढ़िया चीज है यहाँ पे, मतलब कि टोपा इसका बार बार निकलता नहीं है, इसने काफी अच्छे से इसको हुकअप कर लिया है। और नीचे वाला जो था ये है कि इनकेस अगर आप चार्ज नहीं कर रहे हो तो इसको आप ऐसे लगा के इसको लॉक कर सकते हो, बेनिफिट ये होगा कि इसमें क्या है धूल वगैरह मिट्टी वगैरह नहीं जाएगी। वैसे क्या इंडिया में ना करप्शन और धूल मिट्टी कहीं से भी घुस सकती है, तो चलो इस पर इतना भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है चीज बढ़िया है। अच्छा ये आपके ना केस को वाटरप्रूफ नहीं बनाता है, मतलब ये निकले यार आप कहीं बोलो कि मैंने वीडियो दिखाई थी और आप जाके से पानी वानी में डाल दो, बोलो भाई ने दिखाया था और वहाँ पे भंट हो जाए, तो भाई वाटरप्रूफ बिल्कुल नहीं है, वाटर रेपेलेंट भी नहीं है, हल्का फुल्का पानी के छींटे उल्टे आएंगे तो ये बचा के रखेगा इसको। तो ये था दोस्तों यहाँ पे एयरपॉड का केस, और भी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है इसमें, बहुत सारे कलर आते हैं, मतलब सारे कलर है, अलग अलग डिजाइन है, आप चेकअप कर सकते हो। बाकी ब्रेन फ्रीजर के केसेस मेरे को अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैंने मेरे फ्रेंड के पास भी देखा था और उसका देख के बेसिकली मैंने ये मंगाया और मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। तो उम्मीद करता हूं आपको केस पसंद आया होगा, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो भाई इतना ही था इस वीडियो में इसके बारे में बताने के लिए, तो इसके साथ इस वीडियो को यहाँ पे कर देते खत्म, आगे मिलते हैं कुछ नई वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ, तब तक के लिए भाई नमस्कार, टाटा बाय बाय।